हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 12% क्लब ऐप के बारे में, जो कि भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। और इस ऐप में मेनली दो फीचर प्रोवाइड किया जाता है। आप इसमें 1000 से लेकर 1 लाख तक रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आप अप टू 1 लाख रुपीज़ तक इससे लोन बोरो कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे या फिर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो। और इस ऐप में कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, और ये बिल्कुल 100% फ्री एंड फेयर है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों कि इसमें कैसे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इससे आप किस तरीके से लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि ये ऐप कितना सेफ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। 12% क्लब ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इसकी कुछ हाइलाइट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे सिंपली स्वाइप कर देना है और लेट्स 12% पे क्लिक करना है। तो आपसे आपके मोबाइल के लोकेशन का एक्सेस मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप अलाउ कर दें, और आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे अगर आप वो मोबाइल नंबर एंटर करते हैं जो आपके बैंक से लिंक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, और उस OTP को यहाँ पे एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका एक प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। बट ये इनकम्प्लीट प्रोफाइल है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है इसके डैशबोर्ड पे, ऐड मनी और टेक मनी। ऐड मनी पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टेक मनी पे क्लिक करके आप लोन ले सकते हैं। बट इससे पहले दोस्तों, आपको इस ऐप पे अपना KYC कम्प्लीट करना होगा। विदाउट KYC ना ही तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको KYC करना होगा। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन भी देख सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 1 लाख तक अलाउ है, और जो भी इसमें आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो UPI डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट 12% पर ईयर के अकॉर्डिंग मिलेगा, और इंटरेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे इस पर अर्न होता है दोस्तों। और कोई भी इस पर एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं है, जब चाहे तब आप इससे अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 1 लाख तक कर सकते हैं, और लोन का जो टेन्योर होगा वो 3 मंथ्स का ही होगा, ठीक है। और जो आप लोन लेंगे उस पर आपको 12% इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट जो है वो पर डे बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी पे कर सकते हैं, आपको कोई भी प्री पेमेंट पे पेनाल्टी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे KYC कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट योर KYC इन 1 मिनट लिखा है, एक्टिवेट नाउ। यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे भी क्लिक करके आप KYC कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर ऐड मनी पे क्लिक करके KYC कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे KYC का जो प्रोसेस है वो लिंक योर बैंक अकाउंट से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप लिंक नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जिस बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, और नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दोस्तों उस बैंक अकाउंट के IFSC कोड विथ अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, और साथ ही साथ आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो भी एंटर करना होगा यहाँ पे। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ये डिटेल आप फिल करेंगे, तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपी क्रेडिट किया जाएगा फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन। आप कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। तो आधार कार्ड आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो एंटर करना होगा। अदरवाइज आप इस स्टेप को कैंसिल करके आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अपलोड फोटोज पे क्लिक करके, ठीक है। नेक्स्ट जब आप अपना आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर दे, तो यहाँ पे आपको अपना एक सेल्फी क्लिक करना होगा। सेल्फी क्लियर होना चाहिए, जिसमें फेस जो है वो विजुअल होना चाहिए, और अपलोड सेल्फी पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों कि आप यहाँ पे अप टू 1 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी मनी आप इसमें ऐड करेंगे वो डिजिटली होगा, और इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा जो भी इस ऐप से लोन लेते हैं
उनको दिया जाता है दोस्तों। तो आप एज ए लेंडर लेंडर बन जाएंगे जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पैसा आपके इन्वेस्टेड पैसे को ये लोग उन लोगों को देंगे जो इस ऐप के थ्रू लोन बोरो करते हैं, ठीक है। और ये ऐप RBI के थ्रू अप्रूव्ड है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP करना है और जो अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस है दोस्तों वो इनिशिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएशन में आपको टाइम लग सकता है, वो विद इन 15 मिनट भी हो सकता है और 12 to 24 आवर भी लग सकते हैं। जब तक अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इसमें ना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं ना ही लोन ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो वेट लिस्ट, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे दोस्तों, अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो ये वेट लिस्ट का जो ऑप्शन है ये रिमूव हो जाएगा। तो जब आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे आप ऐड मनी पे क्लिक करके इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और लोन लेने के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो सिंपली आपको ऐड मनी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप अमाउंट एंटर करें। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करना है। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद ही दोस्तों आपको एक पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा। आइदर आप बैंक से UPI पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे आप अमेजन पे, मोबीक्विक, फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं और जो मेथड आप चूज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उस ऐप पे आपको रिक्वेस्ट जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर दें, विद इन सेकेंड अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा है। और यहाँ पे आप अकाउंट समरी में स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया, कब आपने कितना विड्रॉ किया, कितना डिपॉजिट किया, सब कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट आपको शो करेगा। और यहाँ पे आप डाउनलोड स्टेटमेंट पे क्लिक करके स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप बाद में और एक्स्ट्रा अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, लेकिन आपका जो टोटल सम अप है वो 1 लाख ही होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3000 इन्वेस्टेड है, तो 97000 और इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है अभी। और अगर आप चाहते हैं विड्रॉ करना तो यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करके आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप 2-1 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन यही है दोस्तों कि आप 1 लाख तक अमाउंट ले सकते हैं लोन, और ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, जिससे कि आपको 12% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट जो है वो पर डे बेसिस पे चार्ज किया जाएगा और आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं अपना लोन। और अगर आप 10 ईयर से पहले अगर पेमेंट करते हैं तो इससे आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। बट लोन के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। तो वो आपको KYC कंप्लीट करने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर लोन और नॉट। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट और लोन की बात। अब दोस्तों इसमें एक की पॉइंट यही है, जब कभी भी आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये किसी एक इंडिविजुअल को लोन नहीं दिया जाता। आपके पैसे को किसी एक बंदे को लोन नहीं दिया जाता, आपके पैसे को मल्टीपल बोरोवर को वो बांध दिया जाता है। सपोज आपने 3000 इन्वेस्ट किया तो अगर 100 लोगों को लोन दिया गया तो 30-30 रुपीज सब में बांट दिया जाता है। इन केस अगर कोई फ्रॉड करता है इस पे, हालांकि जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि इस पे KYC भी होता है और क्रेडिट स्कोर भी देखा जाता है, बट इन केस अगर कोई फ्रॉड करता है दोस्तों तो उससे कंपनी सॉफ्ट रिकवरी करती है। बट इसमें हो सकता है कि आपका लॉस हो, बट इतना श्योर है कि आपके टोटल पैसे कभी भी नहीं डूबेंगे। अगर आपने 3000 सपोज इन्वेस्ट किया है तो आपको अप्रॉक्स 30 रुपीज़ का ही लॉस होगा इस पे। टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे लिखा है, हेल्प एंड सपोर्ट में भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इन माई ओपिनियन दोस्तों ये ऐप बहुत ही अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपके 1 लाख तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, और लोन लेने के लिए भी ये बेस्ट ऐप है। अगर आपको इसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।